शिमारू कॉमेडी वाला से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। भारती का शो, वेलकम टू भारती का शो। आना ही पड़ेगा। अब बारी है हमारे गेस्ट से मिलने की। प्लीज वेलकम सुपर हॉट रिधिमा पंडित। स्ट्रेस बस्टर बनके टेंशन की बाट लगाई है, भारती जी देखो अपना शो लेके आई है। क्या रिधिमा, आपको देख के सच्ची बोलूं मैं, एक रेट्रो वाली हीरोइन होती है ना, उसकी मतलब फीलिंग आती है, लाइक जैसे मीना कुमारी जी। तो ये बहुत बड़ा आपके लिए कॉम्प्लीमेंट है सच में। आपके फीचर्स, आपके नैन नक्श एकदम थोड़ी रेट्रो वाली होती ना। हाँ पिताजी मैं आई, वैसी वाली है थोड़ी। आप हूँ मैं, लेकिन बम्बई की मैं पली बड़ी यहीं पर हूँ। मेरे जो डैड है एक्चुअली वो महाराष्ट्रन है। अरे वाह। और मेरी मॉम गुजराती है। अच्छा गुजराती है, तो मतलब घर में फिर कौन जीता है, वड़ा पाव या दाल ढोकली? दाल ढोकली ऑलवेज। मुझे गुजराती सिखाओ ना, ताकि मैं हर्ष को इम्प्रेस कर सकूं। अरे बिल्कुल हर्ष, हूँ तारा थी बहु प्रेम करू छू। हर्ष मुतर क्या? हर्ष हर्ष हो तारा थी बहु प्रेम करू छू। हूँ तुम्हारा पति। तो तारा पति नहीं, तो तारो पति छे गांडी। मुझे गेंडा क्यों कह रही है? गांडी मींस ये तुम भी चूही। गांडी मतलब पागल। हम गुजराती में घेली मतलब यू नो, ऐसे हमारे काफी एकदम कूल एनेक्डोट्स है। ये जो इतनी हॉट लड़की बैठी है, ये इतने अच्छे कपड़े, इतने अच्छे बाल, लिपस्टिक लगा के, इस लड़की को मैंने लड़ते देखा है जैसे कि कोई मतलब मच्छी मार्केट में मच्छी वाली लड़ रही वो होती ना। थी, वो दूसरी लड़की थी। दोनों मच्छी वाली लग रही थी और बाल के पीछे कहीं लड़ाई। मैंने बनाया तेरे को, तेरे का बाल्टी मैं लगाई थी, मैं मच्छी लगाई वाली लड़ाई। प्रतिभा आपने एक रोबोट वाला शो किया है जिसमें आप बेचारी रोबोट बनी रहती थी, तो कभी कभी मुंह नहीं थक जाता था ये वो करने में, ये ऐसा करने में? हाँ मतलब वो मेरे लिए फिर एक सेकंड नेचर बन गया था। एक बार मैं होटल में गई थी और मैं जब मेन्यू में ऑर्डर प्लेस करी थी, तो मैंने उसे ऐसे देखा था कि आपके मेन्यू में चिकन टिक्का मुझे मिल सकता है क्या? चलो सोचो मैं असली रोबोट हूँ आपकी और आप मेरी मालकिन। ओके डन। ओह हेलो, ये सब तू ही कर ले, मेरे से ये नहीं होता। भारती मेरा आज का स्केड्यूल क्या है मुझे बताना जरा। मैम आज का आपका पूरा दिन खचाखच खाली है। यस, आप 5 घंटे आराम से सोइए, उसके बबाद 2 मिनट के लिए उठिए, 10 लोगों को आई लव यू टैग कीजिए और फिर सोइए, फिर उठिए, फिर टाइम देखिए, 9 बजे हो गए, फिर 5 घंटे सोइए, क्योंकि आप हर दिन की तरह आज भी खचाखच खाली है। बदतमीज रोबोट। अब की ऐसा सवाल पूछा ना तो मुक्का मारूंगी पीठ पे। तेरी तो, ये ऐसी कैसी रोबोट है, इसको कोई तमीज सिखा कर लाओ। लड़ी बदतमीज कही की तू सीख करा अपनी माँ से। ओह माय गॉड, सुनो एक झापड़ मारूंगी ना अंजर पंजर हिल जाएंगे सब तेरे। झापड़ मारेगी तो उड़ के लात भी खाएगी। मैं तेरे सर पे झाड़ू मारूंगी। मैं तेरे बाल लोच दूंगी। अच्छा रिधिमा, आप बहुत 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 अच्छी मिमिक्री भी कर लेती हैं। मेरे पास कुछ फोटो है जो मैं नहीं देखूंगी, सिर्फ आप देखोगे। माता जी, भारती क्यों आप भी आपके शो में मुझको बुला के मुझे 2-2 घंटे रुका के उसके बाद भी आप मेरा इंटरव्यू ऐसे लेते हैं, मेरा ही मजाक उड़ाती है। याद आया टक्कू की मम्मी? मैं कैसे भूल गया था, क्या बात है। अभी आपको एक्ट करके बताना, एक्टिंग ही करनी। ऐसे हमारे लाइफ में बहुत है भारती। ये हमारी माता है, हम इनकी पूजा करते हैं। ये कौन सी माता है? छोटी सी क्यूट सी सिंह, देखो ना कितनी क्यूट है गाय। गाय ऐसे करते हैं, ऐसे करते हैं। ये देखो, सो टैलेंटेड। थैंक यू थैंक यू थैंक यू रिधिमा, थैंक यू सो मच भारती का शो में आने के लिए। बस आपसे प्रॉमिस करती हूँ कि अगली बार भी किसी ऐसे ही अतरंगी सेलिब्रिटी को लेकर आऊंगी और उसके बारे में हम जानेंगे ढेर सारी बातें। ठीक है, कहाँ पर? भारती का शो
आना ही पड़ेगा। भारती का शो के फुल एपिसोड्स देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे डीटीएच चैनल को अपने रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर से।